20वीं सदी में भी पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को उपेक्षित नजरों से देख रहा है। यह समाज की कड़वी सच्चाई है कि महिलाओं की जिंदगी आज भी घर के चार दीवारी के अंदर कैद है। वहीं वीरपुर प्रखंड के फजीलपुर गांव की बहू कुमारी वीना आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है। वीना वर्ष 2007 में पति राजकुमार महतो की मौत के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। विगत 13 वर्षों से लगातार साइकिल से परबंदा, फजीलपुर, मुरादपुर, जगदर, खरमोली एवं जिंदपुर गाँव में डाक पहुँचा रही है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता नवीन कुमार ने। आइए देखते हैं। तेरी यही कहानी आंचल में दूध आंखों में पाने, कवि मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति आज भी समाज की महिलाओं के लिए सही साबित हो रही है। लेकिन समाज में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने हौसले, हिम्मत और जुनून के बल पर समाज में एक नया संदेश दे रही है। जी हाँ, मैं हूँ नवीन कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। आज आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है अपने जुनून, हौसला और हिम्मत के बल पर। पति के मौत के बाद भी वह लगातार 13 वर्षों से डाक पहुंचाने का काम कर रही है। कुछ वर्ष वे पैदल डाक पहुंचाया करती थे, लेकिन आज समाज की इस पुरुष प्रधान मानसिकता के खिलाफ वो अपने हौसला और हिम्मत को नहीं हारी और समाज के लाख कहने के बाद भी, लाख ताना मारने के बाद भी वह अपना काम जारी रखे और आज समाज के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है। आइए बताते हैं वीना कुमारी से, जो फजीलपुर की रहने वाली हैं और विगत कई वर्षों से 6 गांवों में लगातार डाक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। आप बहुत विकट परिस्थिति में साइकिल चलाना सीखे और गांव-गांव डाक पहुंचाने लगे। काम तो बहुत कठिन था, समझ सकते हैं, और तरह तरह के लोग कमेंट भी। समाज की वैसी परिस्थिति नहीं रही, तो आप महिलाओं को जो समाज में आप ही की तरह है, तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? उस महिला को संदेश देंगे जो सब हमारे तरह रहो, हिम्मत हारो नहीं, ऐसा ही दुनिया चलता है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। फजीलपुर ग्राम की स्वर्गीय राजकुमार की पत्नी डाक पिंत 2009 से लगातार काम कर रही है। पति मरने के बाद भी नहीं झुकी, काम में जारी रखी। अभी तक गांव-गांव में चिट्ठी पहुंचाती है, जिसको पैसा होता है पैसा पहुंचाती है। साइकिल से भी महिला चलती है, मजबूरी है महिला को, किसी तरह से चलती है, लेकिन काम करती है सही। महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए, महिलाओं स्वर्ग अथी है, सराहनीय है जो महिला काम कर रही है, इनके लिए हम खुश हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम मीना देवी, पति विश्वनाथ सिंह। पहले आपके चैनल द बिहार झारखंड को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे समाज में आज कुमारी वीना सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। पति के मौत के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कई गांव में कई वर्षों से पैदल चल करके उन्होंने डाक पहुंचाने का काम किया और पुनः कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो है साइकिल ली और साइकिल से घर घर जाकर के उन्होंने डाक पहुंचाने का काम किया है। समाज के महिलाओं को इस कुमारी वीना से प्रेरणा लेनी चाहिए और विषम परिस्थिति में भी महिलाओं को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने कामयाबी को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। हर इंसान को इस प्रकार की महिलाओं को सम्मान करनी चाहिए और हर वर्ग के महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कुमारी वीना की तरह।